ज्ञान की रावत जो कह रही किसी पे आश्रित नहीं रहना था, हमें तो अपना काम धंधा करना था, और जिनको ये स्कूटी मिली है जिसके पीछे हाथ ठेला बांध कर वो सब्जियां बेचने का काम कर रही है और अपनी बेटियों का पढ़ाई का इंतजाम हो सके इसका प्रयास कर रही है, हमारे सभी दिव्यांग जन जिनको आज ये स्कूटी मिली हुई है। आज स्वामी विवेकानंद जी का जन्मदिन है और स्वामी विवेकानंद जी हमेशा पीड़ित मानवता की सेवा करनी चाहिए। कोई दीन हो, दुखी हो, गरीब हो, परेशान हो, तो कहते थे उसकी सेवा करना ही भगवान की पूजा है, उससे बड़ी भगवान की पूजा कोई हो नहीं सकती। और इसलिए कहीं अगर संकट आता था, एक बार अकाल पड़ गया बंगाल में, तो उन्होंने कहा सन्यासी से मंदिर छोड़ो, चलो गरीबों की सेवा करते हैं जो अकाल से मर रहे हैं। अद्भुत संत थे, उनकी जयंती है और उनकी जन्मदिन पर जयंती पर आज हमारे दिव्यांगजनों को स्कूटी की सौगात मिली है। मैं सबको बहुत बहुत बधाई देता हूं। आपके लिए स्कूटी स्कूटी नहीं है, ये आजीविका चलाने का साधन बन सकती है। आप सम्मान के साथ अपनी आजीविका चलाएं, जीविकोपार्जन करें। मैं जिला प्रशासन को बहुत बधाई देता हूं, हमारे जनप्रतिनिधियों को बधाई देता हूं, इंदौर को बधाई देता हूं, कलेक्टर सहित पूरी टीम को बधाई देता हूं, जिनके मन में ये संवेदनशीलता रहती है और जनता की सेवा करने का प्रयास करते हैं। मैंने पूरे मध्य प्रदेश में सभी कलेक्टर्स को ये कहा है कि कोई भी बेटा बेटी अगर अनाथ है तो वो मामा के रहते हुए अनाथ कैसे हो सकता है, उसके रहने की व्यवस्था, उसके भोजन की व्यवस्था और उसकी पढ़ाई की व्यवस्था करो, दिव्यांगजनों के कल्याण का सोचो, उसके लिए फंड्स की व्यवस्था, पैसे की व्यवस्था हमने की है। इंदौर तो वैसे भी दानवीरों का शहर है, या जनता भी व्यवस्था कर देती है। मेरे सभी बहनों और भाइयों, आप सबको शुभकामनाएं। चलो जलाएं दीप वहां जहां अभी भी अंधेरा है। आप सबके चेहरे पर मुस्कुराहट देख के हमारी जिंदगी सफल हो गई, मुख्यमंत्री बनना सार्थक हो गया, प्रदेश के हर दिव्यांगजन की सेवा हो जाए उसका लगातार प्रयास करेंगे। बच्चे कोई बिना पढ़े लिखे ना रहे। अब देखो, अभी हमने बुलबुल का नृत्य देखा और उनके साथ शायद पूजा अजय ने प्रस्तुति दी थी, जो सूर्य नमस्कार और योग, पूजा और अजय, देखो इनमें क्या कमी है। अगर थोड़े दिव्यांग है, कोई एक हाथ में, कोई एक पांव में, कहीं किसी शरीर के अंग में कोई कमी है, तो भगवान ने दूसरी विशेषताएं उनको दी। ऐसे सब बच्चों का भी कल्याण हो। पूरे मध्य प्रदेश में ये प्रयास करूंगा कि कोई ये ना कहे कि हम बेसहारा और परेशान हैं। हर की तकलीफ, हर एक की तकलीफ दूर करने की कोशिश करेंगे। जिन भाइयों बहनों को स्कूटी मिली है, एक बार फिर बहुत बहुत बधाई, और जान के अब आंखों में आंसू मत लाना, चेहरे पर मुस्कान रहने देना, बेटियों को पढ़ाओ और खूब आगे बढ़ो। मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी। उनके बीच भेंट का शेड्यूल में था, उन लोगों से माननीय मुख्यमंत्री महोदय युवाओं से